नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभांशु और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ नेटिव और हाइब्रिड ऐप्स के बारे में। बेसिकली आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड ऐप के नेटिव और हाइब्रिड ऐप्स के बारे में। तो दोस्तों, नेटिव क्या होता है? नेटिव का अगर आप हिंदी में मीनिंग निकाले तो इसको कहेंगे देसी, या तो फिर आप कहेंगे किसी एक चीज़ से जुड़ा हुआ। तो अगर आप ऐप की बात करते हैं ना, नेटिव मतलब वो ऐप जो सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई हो। जैसे अगर आप व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप एक नेटिव ऐप है, और व्हाट्सएप का जो एंड्रॉयड ऐप है वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनाया गया। उसमें जितनी भी कोडिंग की गई है वो एंड्रॉयड ओएस की गाइडलाइन के अंदर की गई है, और उसमें जो व्यूज़ 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 अगर आपको मालूम है एंड्रॉयड के अंदर व्यूज़ होते हैं, तो जो भी उसमें जो कोडिंग की गई है, जो भी उसका लेआउट है, वो एंड्रॉयड के हिसाब से, एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनाया गया है। जबकि हाइब्रिड ऐप्स क्या होती हैं दोस्तों? हाइब्रिड ऐप अगर आप सीधे बोलें तो एक तरह से वेबसाइट होती हैं जिन्हें ऐप का रूप दिया गया होता है। अगर आप हाइब्रिड ऐप्स का एग्जांपल चाहें तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और फ्लिपकार्ट, ये तीनों जो हैं हाइब्रिड ऐप्स हैं। तो अगर आप फ्लिपकार्ट को लेते हैं तो अगर आप देखें तो फ्लिपकार्ट की जो एंड्रॉयड ऐप है और जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि असल में फ्लिपकार्ट की जो एंड्रॉयड ऐप है या फिर अमेज़न की भी आप ले लीजिए, तो ये दोनों हाइब्रिड ऐप्स हैं। ये सब असल में इसमें इसको इसलिए बनाया गया है कि जैसे इसमें डेवलपर के लिए इजी होता है कि उनको सिर्फ एक ही कोड लिखना होता है दोस्तों। वो सिर्फ एक कोड लिखेंगे और उसी कोड के ऊपर मतलब एंड्रॉयड का भी प्लेटफॉर्म चलेगा, उसी पे आप iOS ऐप भी चल जाएगी और उसी पे वेबसाइट भी आपकी चलेगी। तो इससे डेवलपर्स को इजी होता है कि उनको एक ही कोड लिखना पड़ता है। और जैसे अगर आपके पास मतलब ज़्यादा डेवलपर्स हैं या फिर आप अकेले काम कर रहे हैं, तो आप एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं दोस्तों। आप उसी चीज़ को, आपको एक ही चीज़ बनानी है, उसको आप चाहे जितना अच्छा बना दीजिए, और कुछ प्लेटफॉर्म की मदद से आप उसे जो एंड्रॉयड ऐप और iOS और उसे आप वेबसाइट में के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये होती है हाइब्रिड ऐप्स के पीछे। और नेटिव ऐप्स के क्या होता है? नेटिव ऐप दोस्तों अगर आप कहें तो हाइब्रिड ऐप से ज़्यादा फास्ट हैं अभी भी। अब थोड़ा जो है हाइब्रिड ऐप जो हैं बहुत अच्छा डेवलप कर गई हैं, तो अब वो भी अच्छी हो गई हैं। लेकिन अगर आप पहले की बात करें या फिर अभी भी, थोड़ी जो आप कहेंगे नेटिव ऐप जो हैं ज़्यादा फास्टर होती हैं, क्योंकि वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई हैं। उसमें जो कोड लिखा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ सकता है, और जो पूरी चीज़ है, जो पूरी ऐप है, वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती है दोस्तों। तो नेटिव ऐप्स और हाइब्रिड ऐप्स में यही डिफरेंट होता है। नेटिव ऐप्स के बहुत अच्छे फीचर होते हैं कि वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कस्टमाइजेबल होती है, मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की गाइडलाइन उसके अंदर होती है। हाइब्रिड ऐप्स में ऐसा नहीं होता दोस्तों। हाइब्रिड ऐप्स में कस्टमाइजेशन की कोई लिमिट नहीं है। आप उसको जैसा चाहें, जैसी जैसी एक वेबसाइट होती है, आप वेबसाइट की तरह उसको कैसा भी बना सकते हैं, आप उसको कोई भी लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों, हाइब्रिड ऐप्स और नेटिव ऐप्स में ये डिफरेंट होता है। और अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर आपको मालूम नहीं कहाँ से शुरुआत करें, तो आप नीचे कमेंट करें और मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे आप एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन सकें। तो अगर आपको इस बारे में जानना तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और भी अगर कोई आपके अगर आपको कोई सुझाव हो कोई वीडियो का, या फिर आप कोई वीडियो पे जानकारी जानना चाहते हो, तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो पे जो भी आपका टॉपिक होगा उस पर रिसर्च करूँगा, और अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको जल्दी से जल्द वो वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, मतलब आपको नेटिव ऐप बनानी चाहिए कि हाइब्रिड ऐप बनानी चाहिए, तो दोस्तों दोनों फील्ड इक्वली गुड है। मतलब आप जो भी चाहें, हाइब्रिड ऐप में आपको HTML, CSS और JavaScript आनी चाहिए, जो कि एक मतलब उससे आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, उसी से आप ऐप्स बना सकते हैं। इसमें आप दो जो मेन प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ करेंगे, वो पहला एक आयोनिक और दूसरा है रिएक्ट नेटिव, या फिर आप कह सकते हैं रिएक्ट JS, जो कि फेसबुक का है, जिसके ऊपर इंस्टाग्राम और फेसबुक और शायद फ्लिपकार्ट भी बिल्ड हुआ है, ऐसे मैंने सुना है। फेसबुक इंस्टाग्राम का फिक्स है, फ्लिपकार्ट का मुझे पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर है कि वो रिएक्ट JS जो फेसबुक की है उसी के ऊपर बिल्ड किया गया। नेटिव ऐप में आपको आपको जैसे आपने अगर आपको मालूम ही होगा कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है, आपको जावा आना चाहिए, आपको XML आना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि एंड्रॉयड ने अब जो है अपनी लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कॉटलिन कर दी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कॉटलिन को, क्योंकि कॉटलिन पर अभी कोई इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं दोस्तों।
जावा के अगर आपको सैंपल देखने अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप जावा से करिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे आपको ऑनलाइन सैंपल मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट आराम से सीख सकते हैं, और जावा मतलब जावा के लिए बहुत सारे सैंपल हैं। और अगर आप कॉटलिन में अभी से जाते हैं तो उसके लिए कोई इतने सैंपल नहीं है दोस्तों, आप उसको मतलब आप कैसे टेस्ट करेंगे अभी, उसके लिए इतने ज़्यादा मतलब आप कहें तो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो अभी मैं आपको यही कहूँगा कि आप जावा से करिए, जावा भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। मैं जल्द ही और वीडियोस और टॉपिक पे वीडियोस लाऊंगा। और कमेंट करिए कैसा लगा ये वीडियो, ये मेरा पहला वीडियो है तो होप हम धीमे धीमे आगे प्रोग्रेस करेंगे और वीडियो की क्वालिटी और जो भी एक अच्छा कंटेंट देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, चलते हैं, बाय बाय, टाटा सायोनारा।